थ्योरम है आपके पास पेज नंबर 39 पे। आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स डॉट इंटीजर्स, उसके ऊपर एडिशन है। तो स्टेटमेंट है आर प्लस, लेट आर प्लस डॉट एंड जी प्लस बी ग्रुप्स, देन फॉर ईच आर बिलोंग्स टू आर डैश देर इज वन एंड ओनली वन। आर डैश का मतलब क्या है? नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो आपके पास देर इज़ वन एंड ओनली वन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। वन एंड ओनली मतलब क्या, वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है? यूनिक, देर इज अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म, इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? कि सिर्फ एक ही मोनोमॉर्फिज्म है, सच दैट जो कि क्या करती है, वन को आर पे मैप करती है, जो कि वन को आर पे मैप करती है। प्रूफ करते हैं। मैपिंग है, हमने किस तरह से डिफाइन की है, यहाँ से एक इंटीजर लेंगे, उसके ऊपर ये मैपिंग किस तरह से एक्ट करती है, इस इंटीजर को इस आर की पावर बना देती है। इस ये मैपिंग क्या करती है? इस इंटीजर को इस आर की पावर बना देती है। अब देखें यहाँ पर n इज इक्वल टू वन पुट करें तो क्या होगा? मैपिंग करती है, इस इंटीजर को r की पावर बना देती है। तो ये जो मैपिंग हमने अपने पास से डिफाइन की थी, इसके पास ये कंडीशन तो आ गई है कि वो जो है वन को r पे मैप कर रही है। अब हमने इस मैपिंग को क्या शो करना है? यूनिक इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, यूनिक मोनोमॉर्फिज्म, यानी कि ऐसी सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म है, ऐसी सिर्फ एक मोनोमॉर्फिज्म है जो वन को आर पे मैप करती है। सबसे पहले तो इस मैपिंग को मोनोमॉर्फिज्म शो करेंगे, फिर इसको यूनिक शो करेंगे। होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से दो एलिमेंट्स लेंगे, दो इंटीजर्स ले लिए, अब इन इसका बाइनरी ऑपरेशन सम है, तो इन दोनों इंटीजर्स के सम पे हम फाई अप्लाई करेंगे। फाई क्या करता है? फाई क्या करता है कि इस इंटीजर को इस आर की पावर बना देता है। इसको मैं लिख सकती हूँ आर की पावर एन इंटू आर की पावर एम, ठीक है जी। और ये आपके पास क्या है? फाई आर ऑफ एन, और ये क्या है? फाई आर ऑफ एम, ठीक है जी। तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गई है। नेक्स्ट है जी वन वन इंजेक्शन शो करेंगे। उसके लिए मैंने कहा था कि दो आपने एलिमेंट्स लिया करना है, और सपोज करना है कि उनके इमेजेस बराबर हैं। वन वन शो करने के लिए क्या करना है? दो एलिमेंट्स लेना, और सपोज करना है इसके इमेजेस बराबर हैं। इमेजेस बराबर हैं तो इसका मतलब है कि फाइव ऑफ आर क्या करते हैं? इस इंटीजर को आर की पावर बना देता है। वन वन भी हो गई है तो इसका मतलब है कि फाइव जो है वो मोनोमॉर्फिज्म बन गई है। अब फाइव को यूनिक शो करना है, यानी कि ऐसी सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म है जो कि वन को आर पे मैप करती है। ऐसी सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म है जो कि हम कहते हैं कि नहीं जी, एक और होमोमॉर्फिज्म भी है जेड से आर प्लस तक, जो कि क्या करती है, एक और मोनोमॉर्फिज्म है हमारे पास जी से आर प्लस तक, जो कि क्या करती है, वन को आर पे मैप करती है। तो यूनिकनेस शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम शो करेंगे ये फाइव ऑफ आर जो है, फिर साई ऑफ आर जो है फाइव ऑफ आर के ही इक्वल है। अब हम
कैलकुलेट करते हैं फाई आर ऑफ एन। फाई आर ऑफ एन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें हम एन को लिख सकते हैं वन प्लस वन प्लस वन प्लस एन टाइम्स, एन टाइम्स इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे टू है तो इसको टू टाइम्स वन प्लस वन लिख सकते हैं, थ्री है तो इसको थ्री टाइम्स वन प्लस वन लिख सकते हैं ना। इस एन को हमने एन टाइम्स इस तरह से लिख लिया। अब साई चुके हमने सपोज कर रखी है कि मोनोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म भी है तो ये सब अलहदा अलहदा हो गए, हमने इसको अलहदा अलहदा करके लिख लिया। हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फाई जो है देखो बेटा हमने होमोमॉर्फिज्म शो किया है ना, फाई ऑफ एन प्लस एम इज फाई ऑफ एन डॉट फाई ऑफ एम, ठीक है जी। तो हम मौसम की खूबसूरती ये है कि अगर ये कॉमन हो तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अगर ये अलग अलग हैं तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये कंबाइन थे और इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया है। अब ये हमने क्या सपोज कर रखा है, आर के इक्वल है आर डॉट आर। अब ये कितने आर हैं, जितने वन थे, वन जो है वो एन टाइम्स थे तो ये आर भी एन टाइम्स हो जाएंगे। और ये क्या है, ये तो हमने डिफाइन नहीं की ऊपर फाई ऑफ आर, आर की पावर एन किसके इक्वल है फाई ऑफ आर। तो हमने कहा था कि हमने एक और मोनोमॉर्फिज्म ली है जी से आर प्लस तक जो कि वन को आर पे मैप करती है, और फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू किया। हमने काम शुरू किया तो हमने देखा कि ये तो हमारे पास ओरिजिन मैपिंग के इक्वल आ गया, क्योंकि इनके इमेजेस बराबर हो गए हैं। दो मैपिंग्स को बराबर करने का तरीका क्या है कि उनके इमेजेस बराबर कर दो, तो ये तो इनके इमेजेस बराबर हो गए हैं, इमेजेस बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब साइज है वो फाई के इक्वल है। तो इसका मतलब है ऐसी सिर्फ एक ही मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है जो कि आर को वन पे मैप करती है।